नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले मसाला। इस छोले मसाले को बनाने में मैं आपको कुछ छोटी बातें बताऊंगी। इन छोटी छोटी बातों को आप फॉलो करेंगे तो ये छोले बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। इसके लिए हमने लिए हैं 300 ग्राम काबुली छोले। ये मैंने बड़े वाले छोले लिए हैं क्योंकि इनमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये थोड़े बड़े होते हैं, मीडियम छोलों में इतना टेस्ट नहीं आता है, इसलिए मैंने बड़े वाले छोले लिए हैं। इन्हें मैंने होल नाइट सोक करके रखा। इसके पानी को मैंने फेंक दिया है क्योंकि उसमें स्मेल आती है बनाने में, खासकर गर्मियों में, और अगर ये बने हुए छोले हों उसी पानी के, वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। अब मैं इन छोलों में अच्छे से, मैंने इसको धो लिया है, अब इन छोलों में मैं देसी घी लगाऊंगी। हाथों को अच्छे से देसी घी लगाकर इसको ग्रीस करूंगी। आप कोई भी ऑयल या कोई भी घी ले सकते हैं, इसे अच्छे से ग्रीस करना है। इससे छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इनका उबालते समय छिलका भी नहीं निकलता। इस ढंग से अच्छे से ग्रीस करें। ऐसे ही सारे छोलों को हमने ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें छोटा सा, हमें कपड़ा लेना है साफ साफ कपड़ा होना चाहिए, छोटा। मैं एक चम्मच इसमें पत्ती डालूंगी, आप टी बैग भी ले सकते हैं, और 4-5 सूखे आंवले, ये भी मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। ये तरीका सबसे अच्छा है जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे इन सब चीज़ों को कपड़े में अच्छे से एक पोटली सी बांध लेंगे, कस के बांधें। हाँ, हमें पत्ती का कलर चाहिए, पत्ती ना निकले, इस ढंग से इसको रख लेंगे। अब मैं कुकर ले लूँगी, इन छोलों को कुकर में डाल दूंगी और उसमें उतना पानी डालें कि छोले अच्छे से डूब जाएं। ये पोटली भी डाल दूंगी इस ढंग से। मैं 2 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूं, उसी में अच्छे से छोले डूब जाएंगे, आप देख लें। हाँ, ये अच्छे से डूब गए हैं। अब इसके उबालते समय ही मैं थोड़े से खड़े मसाले डालूंगी जो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। 1 तेजपात, 1 टुकड़ा दालचीनी का बड़ा, 1 मोटी इलायची, उसका मुंह खोल लें। हाँ, इस ढंग से नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालूंगी। चलिए इसे उबालते हैं। हम गैस को खोल के इस पे 4 सीटी मीडियम आंच पे लगाएंगे बंद करके कुकर, और कम गैस कर 7 से 8 मिनट तक हम पकाएंगे। ये 4 सीटी हो गई हैं। अब गैस को कम कर देंगे, 7 से 8 मिनट पकाने के बाद ठंडा करके कुकर को खोलेंगे। देखिए, हमने 7 से 8 मिनट तक छोलों को पका लिया कम गैस पे। अब हम गैस को बंद कर देंगे, छोलों को ठंडा होने देंगे, तब तक मसाले की तैयारी करेंगे। ये हमने 2 प्याज बारीक काट लिए हैं, 3 टमाटर और 2 हरी मिर्ची की हमने प्यूरी बना लिया मिक्सी में, 1 इंच अदरक को हमने लंबा काट लिया है, 6 तुरियां लहसुन की हमने बारीक काट ली हैं, 1/2 टीस्पून हमने लिया गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लिया हमने धनिया पाउडर, 2 सूखी लाल मिर्ची ली हैं, 1/4 टीस्पून लिया जीरा, 1/2 टीस्पून लिया मैंने चना मसाला, 2 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है देगी मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी, ये ऑप्शनल है। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि छोलों में भी डाला हुआ है। चलिए इसे बना दें। एक कढ़ाई ले लेंगे, 2 चम्मच उसमें ऑयल डालकर उसे गर्म कर लेंगे। ये गरम हो गया, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची साबुत और ये जीरा 1/4 टीस्पून, इसको थोड़ा सा चला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन, इसको भी हमने तेज गैस पर 20 सेकंड तक भून लेंगे चलाते हुए। ये हो गया, अब डाल देंगे इसमें प्याज बारीक कटे हुए, उसे भी तेज गैस पर लाइट ब्राउन होने तक चलाते हुए ही भूनना है।
ये हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग। ये बाद में इसलिए डाल दें, ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर बाद में देगी। और डालेंगे हम ये लंबा कटा हुआ अदरक, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। इसे भी मिक्स कर दे चलाते हुए। हाँ, ये डाल देंगे हल्दी, ये ऑप्शनल है। इसे भी मिक्स कर दे चलाते हुए। ये देगी मिर्ची डाल रही हूँ मैं, लाल मिर्ची। इसे भी मिक्स कर दें। ये धनिया पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे कि अच्छी तरह मसाले भुन जाएं। हाँ, भुन गए। अब डालेंगे इसमें टमाटो प्यूरी। इसमें 2 मिर्ची भी मैंने पीस के डाली हुई है हरी। इसे भी तेज गैस पर 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। ये हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये है चना मसाला, इसे भी मिक्स कर दें। और ये नमक, नमक आप ध्यान से डालिए, क्योंकि छोलों में उबालते हुए भी हमने नमक डाला है। इसे भी मिक्स कर दे चलाते हुए। अब हम छोलों को देख लेते हैं गैस को कम करके। हाँ, अब सबसे पहले हम इसकी पोटली निकाल देंगे। और जो हमने खड़े मसाले डाले हैं, पहले मैं दिखा देती हूँ, छोले गल गए हैं, ये देखिए बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसकी हम पोटली निकाल देते हैं। जो खड़े मसाले डाले थे वो भी निकाल देते हैं, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते मुंह में आते हुए। ये देखिए सब निकाल दिया, तेजपात, दालचीनी। चलिए इसे मसाले में डालते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम इसको इसमें पलट देंगे, छोलों को इसे चला देंगे, मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा तेज गैस करके उबाल आने देंगे। अब इसमें से मैं थोड़े से छोले निकाल कर अच्छे से मैश कर लूंगी। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी हो जाती है, छोले बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी लगते हैं। हाँ, ऐसे करछी से दबाते हुए मैश कर लें। इससे हम अच्छे से मैश कर छोलों को इसमें मिक्स करेंगे तरी में। इससे बहुत अच्छी गाढ़ी तरी बनेगी, छोले भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ऐसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लें ढंग से, अच्छे से मिक्स करें। अब मैं इसे कम गैस कर ढककर 5 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि उसका मसाला अच्छे से छोलों में मिक्स हो जाए। ये 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं छोलों को, थोड़ा सा हम इसे चला देंगे। पहले डाल देंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, इसे मिक्स कर देंगे चलाते हुए। देखिए हमारे छोले तैयार हैं, बहुत अच्छे और बहुत गाढ़े बने हैं। गैस को बंद कर दूंगी। अब इस पे हम डाल देंगे हरा धनिया इस ढंग से, और इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे छोले तैयार हैं। ये पूड़ी के साथ, भटूरों के साथ, चावलों के साथ, सबके साथ बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।